दोस्तों, लर्न पांडम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 2 संज्ञेय शक्ति इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए प्लीज, और लाइक कीजिए, और जिसको भी आप नमस्कार दोस्तों, लर्न पांडम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 संज्ञेय शक्ति पार्ट 4। ईर्ष्यं घृणी त्वसंतुष्ट है क्रोधनो नित्य संकित है पर भाग्योपजीवी से सदेति दुख भागिने। संदिग्धित करेंगे त्वसंतुष्ट है का तू प्लस असंतुष्ट है यण संधि, क्योंकि उ का वह हो जाता है और तय आधा हो जाएगा। और वह में देखिए ऐसे आधा तय, जब ऊ इससे लेंगे ऊ का वह हो जाएगा और वह में ए मिल जाएगा, फिर ये तो संतुष्ट है हूं। और क्रोध ने सड एते, सड प्लस एते, ये भी संयोग है, इसको संधि नहीं कहते। सड एते संयोग, जब हलंत के बाद में यदि कोई स्वर होता है उसको संयोग कहते हैं। ईर्ष्यं ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, असंतुष्ट है तू असंतुष्ट है, और असंतुष्ट रहने वाला क्रोध ने क्रोध करने वाला, नित्य संकित है हमेशा शंका रखने वाला, चे और पर भाग्य उपजीवी दूसरे के भाग्य ऊपर निर्भर रहने वाला, एते सद ये छे, एते ये सदमित छे ये छे दुख भागिने, दुख भोगने वाले होते हैं, ये सब दुख भोगने वाले होते हैं। एक बार और देखिए, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतुष्ट रहने वाला, क्रोध करने वाला, नित्य शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये छे प्रकार के मनुष्य दुख भागिने दुख भोगने वाले होते हैं। नेक्स्ट, तत् श्रुत्वा कपोत राजस्य संकाम च अनादृते सर्वे कपोतास्तत्र उपविष्टा। श्रुत्वा श्रु प्लस कत्वा सुन करके, और कपोता विसर्ग प्लस तत्र प्लस उपविष्टा, इसका संधि विच्छेद ये है, कपोता प्लस तत्र प्लस उपविष्टा, कबूतर तत्र वहां उपविष्टा बैठे हुए, वह सुन करके, तत् श्रुत्वा वह सुन करके, और कबूतरों के राजा की शंका का अनादरते अनादरण करके, अनादर करके सर्वे कपोता सभी कबूतर तत्र वहां उपविष्टा बैठ गए। एक बार फिर देखिए, तत्मित्स वह श्रुत्वा सुन करके, वह सुन करके कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर वहीं बैठ गए। अनंतरम इसके बाद सर्वे जालेन बद्धा बहु, सभी जाल से बंध गए, इसके बाद सभी जाल से बंध गए। जालेन तृतीय विभक्ति एक वचन, करणकार, करणकार का चिन्ह होता है से के द्वारा, तो जाल से, इसके बाद सभी जाल से बंध गए। ततो यस्य वचनात्, इसके बाद यस्य वचनात् जिसके वचन से, यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंध कारक काके की, तो यस्य जिसके वचनात् वचन से अपादान कारक से पंचमी विभक्ति एक वचन, इसके बाद जिसके वचन से तत्र वहां अवलंबिता बैठे तम उसको सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, उसकी सभी तिरस्कार कर रहे हैं। इसके बाद जिसके वचन से वहां बैठे हो उसका उसका सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, सभी तिरस्कार कर रहे हैं। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा, तस्य उसका तिरस्कार सुनकर के चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, न अयम अस्य दोषे, न अयम, न प्लस अयम प्लस अस्य, अयम का मतलब यह है, अस्य इसका, न नहीं है, दोष है दोष,
इसका यह दोष नहीं है। संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक शब्द के अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यह इसका दोष नहीं है। न अयम अस्य दोष है, अयम यह अस्य इसका दोष है, दोष नहीं है, ये इसका दोष नहीं है। तो किसका दोष है? देखिए, विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, बता दिया कबूतरों के राजा ने कि विपत्ति के समय विस्मय एव विस्मय ही का पुरुष लक्षणम कायर पुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति के समय में विस्मय ही कायर पुरुष का लक्षण होता है। फिर तदत्र, इसमें भी संधि है, तत् प्लस अत्र, यहां लिख देते हैं तत् प्लस अत्र, जस्तु संधि है, इस तय का तय हो जाता है आगे स्वर हो तो जस्तु संधि, यह संधि अलग से बताई हुई है। तो तदत्र, तो इसके बाद यहां धैर्यम अवलंबे, धैर्य का सहारा लेकर, प्रतिकारस अचिंतित, प्रतिकारस चिंतिताम,